देखिए बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। खाना जो है देखिए सब्जी बहुत सारा है भैया, बहुत ज्यादा। देखिए इधर टमाटर है, पटल, आलू। ये गुफा कहाँ निकला ये किन्हीं को पता नहीं। तो बाबा इस जो महर्षि में ही जी थे इसी में, देखिए उनका तस्वीर लगा हुआ है पे, इन्हीं गुफाओं में उनको। यार इस बोर्ड पे देखिए सतगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज जी की पावन जयंती समारोह पर। आप लोग से हम एक बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो प्रसाद खाते हैं जिस थाली में खाएंगे उस थाली को धो के यहाँ पे रखेंगे। कोई थाली पे खिचड़ी बन के ये तैयार है, देख लीजिए ये बन के तैयार है। कितना होगा इसमें खिचड़ी, कितना खिचड़ी होगा इसमें? 2 क्विंटल है लगभग। और देखिए मंदिर के अंदर आए तो लीजिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे बैठ के प्रवचन सुन रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी हम हैं भागलपुर के कुप्पा घाट पर और आज यहां पे मनाया जा रहा है महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का 140वीं पावन जयंती समारोह। तो आप हमारे पीछे भीड़ देख रहे होंगे, लाखों की संख्या में अभी भीड़ पहुंचे हुए, सभी श्रद्धालु इस जयंती समारोह में पहुंचे हुए हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक देख रहे जरूर फॉलो कीजिएगा और बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। और अगर आप लोग भागलपुर आते हैं तो ये कुप्पा घाट एक तीर्थ स्थल है, आप लोग यहाँ के अपना दर्शन कर सकते हैं और एक जो सुकून होता है ना मन में, शांति यहाँ पे आके मिलती है। तो चलिए बने ब्लॉग के साथ, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। फिलहाल आप लोग को लेकर चलते हैं गेट के पास, मेन गेट के पास, फिर एंट्री करते हैं और यहाँ पे होता है इस विशाल भंडारा। तो आप लोग कितना होता है विशाल भंडारा वो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, चलिए लेके चलते हैं। और तो देखिए ये है मेन गेट यहाँ से अंदर घुसने का। यह है मेन दरवाजा। तो देखिए गेट के पास से आने के बाद फिर से हम उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं और इस ये जो लाइन आप लोग को दिख रहा है ये जिससे जिधर प्रसाद वितरण होता है, जिधर भंडारा हो रहा है ना, उधर ही ये लोग सभी जा रहे हैं। तो आप लोग को उधर भी लेके चलेंगे। यार इस बोर्ड पे देखिए सतगुरु महर्षि परमहंस जी महाराज जी की पावन जयंती समारोह पर बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़, बहुत ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो देखिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं, मौसम आज बहुत ही सुहावना है। तो चलिए आप लोग को लेकर चल रहे हैं उस जगह पे जिधर बहुत सारे लोग प्रसाद खा के आ रहे हैं और जहाँ पे विशाल भंडारा हो रहा है, इस भी लोग प्लेट ले लेकर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और भीड़ इतना ही क्या ही बताएं। खाना जो है देखिए सब्जी बहुत सारा है भैया, बहुत ज्यादा। देखिए इधर टमाटर है, पटल, आलू, मतलब मिक्स होके सबको खिचड़ी बनाया जा रहा है। देखिए खिचड़ी का प्रसाद बन रहा है और कितना बड़ा कढ़ाई है, देख रहे हैं आप लोग। तो देखिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं यहाँ पे जो आप प्रसाद बन रहा है ना, वो जो कढ़ाई लगा हुआ है उसमें एक बार में लगभग 2 से 2.5 क्विंटल लगभग खिचड़ी बनता है। और यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए वो बताए कि एक बार में जो कढ़ाई में खाना बन रहा है लगभग 1000 आदमी उसमें खाता होगा ना, ऊपर मतलब मान के चलिए 1500। तो मान के चलिए 1500, अब तक कितना कढ़ाई बन चुका है ये? 7 कढ़ाई, मतलब यूं मान के चलिए। तो देखिए अब तक में लगभग 6 से 7 हजार लोग खा चुके हैं। चलिए आप लोग उस कढ़ाई के पास ले जाते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कितना बड़ा वो कढ़ाई है। तो देखिए आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, देखिए एक कढ़ाई में सब्जी बन रहा है और इधर दिखा रहे हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे खिचड़ी बन के ये तैयार है, देख लीजिए ये बन के तैयार है। कितना होगा इसमें खिचड़ी, कितना खिचड़ी होगा इसमें? 2 क्विंटल है लगभग, देखिए। और अगर आप लोग को दिखाना चाहे तो देखिए इस जो वहां से बन के आता है ना इसमें सब दिया जाता है और यहीं से सर्व किया जाता है सभी को। देखिए जितना लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों को भक्त लोग, सभी यहाँ पे सर्व किया जाता है सभी को। और यहाँ दिखा रहे हो देखिए दोनों कढ़ाई में बनता है ना, दोनों कढ़ाई में बनता है, देखिए दोनों कढ़ाई में बन रहा है। लगभग एक बार में 2 क्विंटल बनता होगा ना भैया? देखिए आप लोग को दिखाना चाहते हैं बहुत बड़ा यहाँ पे मतलब। और टोटल देखिए कोई गैस चूल्हा नहीं है भैया, कोई गैस चूल्हा नहीं है, लकड़ी पे खाना बन रहा है। देखिए लकड़ी पे पूरा जलावन बन रहा है खाना और इतना टेस्टी है ना, अभी हम खा के भी आप लोग को बताएंगे कि कुप्पा घाट का ये महाप्रसाद महर्षि। एक कढ़ाई में 1.5 क्विंटल चावल, 1.5 से 2 क्विंटल बन जाता है ना, मतलब एक कढ़ाई में लगभग कितना आदमी खा लेगा? 1000, 1200, 1500 खा लेता होगा एक कढ़ाई में।
थे 900 आदमी। 900 देखिए आप लोग को दिखाना चाहता है यहाँ पे बनता है, और ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये परिसर के अंदर सभी लोग भोजन कर रहे हैं, मतलब प्रसाद सब ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग को अंदर भी लेके दिखाएंगे, अभी अंदर भी जाके दिखाएंगे कितने लोग भक्त लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और यहाँ दिखाना चाहे तो देखिए कढ़ाई अभी भी चढ़ा हुआ है, देख लीजिए। और ये तब तक नहीं उतरेगा जब तक यहाँ पे भक्तों का भीड़ कम नहीं होगा, यही ना। तो देखिए जितने यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, जब तक यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना कम नहीं होगा तब तक ये कढ़ाई चढ़ा रहेगा। मतलब प्रसाद जितने लोग हैं सभी ग्रहण करके ही जाएं, ये बस यही कहना है। यहाँ पे देख लीजिए महाप्रसाद बन रहा है ये। तो देखिए आप लोग को बताना चाहता है, इस सुप्पा घाट में इस आज जो महर्षि मही परमहंस जी महाराज का 140वीं जयंती पे ये जो आप लोग को विशाल भंडारा दिख रहा है, ये महाप्रसाद बन रहा है। और जितने भाई लोग हैं ये सब बनाते हैं तो इनको बहुत बहुत शुक्रिया जो कि सभी लोग आते हैं। और अगर आप लोग को बताना चाहे तो यहाँ पे कितना आदमी खाता होगा, लगभग कितना आदमी खा लेता होगा अगर जयंती समारोह में आते हैं तो? कितना, 10,000 लोग खा लेता होगा? 10,000 से ऊपर खाते है ना, मान के अप्रोक्स 20,000 मान के चलिए, 20 से ऊपर। देखिए मतलब कहने का मतलब है कि लाखों में चला जाता है और तब तक कढ़ाई चढ़ा रहता है, मतलब भक्तों का आना कम होगा तभी यहाँ पे रुके ना। तो देखिए यहाँ पे जो खिचड़ी बन रहा है ना, तो उनका इनका कहना है कि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो कढ़ाई तब तक चढ़ा रहता है जब तक यहाँ पे भक्तों का आना कम नहीं हो जाए। चलिए आप लोग को लेके चल रहे हैं अंदर, और यहाँ देखिए इतने भक्त लोग पहुंच रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए। और अगर आप लोग को इधर दिखाएं तो देखिए सभी के लिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे सभी लोग खा रहे हैं। देखिए हाँ, और बताना चाहते हैं यहाँ पे कोई मनाही नहीं है, जितना खाना है खाइए, जब तक पेट ना भर जाए तब तक आप लोग यहाँ पे खा सकते हैं। तो लगभग इसके अंदर 5,000 लोग एक बार में खा सकते हैं अभी बताए हैं। तो देखिए सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब आके खा रहे हैं फिर जा रहे हैं, इस तरह से भोजन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखा दिए, और देखिए अभी यहाँ पे ये खत्म होगा, मतलब जो लोग बैठे हुए हैं वहां तक भी आपको पहुंच जाते हैं ना, लेके जो लोग बैठे हुए हैं वहां तक लेके आप लोग चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गाड़ी बना हुआ है, देखिए इसमें भीड़ लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ जो लोग आते हैं हाथ में ले रहे हैं, लेकिन जितने लोग बैठे हुए उन तक भी पहुंचते हैं ये लोग। तो चलिए खिचड़ी कब तक वितरण होता है? जब तक जो है भंडारा मतलब सत्यम खत्म नहीं होगा तब तक चलता ही रहेगा। जब तक श्रद्धालु आते रहेंगे तब तक ये भंडारा चलता ही रहेगा। तो कैसा लग रहा है ये भंडारा? बहुत गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उन्हीं का आशीर्वाद से सब सारा चीज हो रहा है। क्या कहेंगे आने वाले भक्तों के लिए? आने वाले भक्तों के कहेंगे गुरु महाराज का आशीर्वाद है, उनको हमेशा आशीर्वाद बना रहे। चलिए तो आप लोग भी आइए और भंडारा का प्रसाद जरूर खाइए। फ्रेंड्स आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए, और हम भी खा रहे हैं। देखिए बहुत खाने के बाद आप लोग से हम एक बात बोलना चाहते हैं कि आप लोग जो प्रसाद खाते हैं जिस थाली में खाएंगे उस थाली को धो के यहाँ पे रखेंगे, कोई थाली को इधर उधर फेंक के नहीं जाइएगा। लोगों को दिखाना चाहते हैं जो लोग खा के आ रहे हैं धो रहे हैं थाली को, देखिए। तो चलिए इस महाप्रसाद खाने के बाद आप लोग को अब दर्शन करवाते हैं कुप्पा घाट में जितने मंदिर हैं उन सबका। देखिए अभी भी लोग भक्त लोग आ रहे हैं प्रसाद, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, सभी गाड़ी मोटर बस सब कुछ। बताया गया कि एक दो दिन पहले यहाँ पे सभी लोग आ गए थे, और सामने आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे शौचालय की भी सुविधा है, पुरुष शौचालय महिला शौचालय। चलिए यहाँ पे जो आए हैं ना, तो यहाँ पे आप लोग को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे आप लोग एक प्राचीन गुफा द्वार दिख रहा होगा, तो उस गुफा द्वार में क्या लिखा हुआ है वहां पे चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये गुफा कहाँ निकला है ये किन्हीं को पता नहीं। तो बाबा इस जो महर्षि मही जी थे इसी में, देखिए उनका तस्वीर लगा हुआ है पे, इन्हीं गुफाओं में उनको भगवान दर्शन दिए थे, देखिए, और गुरु उनको ये मिले थे, देख लीजिए। तो फिलहाल इसको भी बंद कर दिया गया है, देखिए मोटे मोटे। देखिए सामने जो आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये बाबा है, और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पर 18 महीने गुरु महाराज जी अखंड साधना किए थे। देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ, यहाँ पे देखिए गेट के अतीत लिखा गया है, लेकिन साफ साफ लिखा गया 18 महीने यहाँ पे अखंड साधना किए थे जो बाबा आप लोग को दिख रहे हैं महर्षि मही परमहंस महाराज। चलिए आप लोग को गुफा दिखाने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारे मतलब भक्त मतलब विश्राम कर रहे हैं, और यहाँ देखिए कुछ लिखा गया है, ये आप लोग ध्यान से पढ़ो, कृपया आश्रम में शांति बनाए रखो। और इधर भी कुछ लिखा गया, ये देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है जो कि, चलिए ये भी आप लोग को दिखा दी। तो देखिए ये सतगुरु निवास महर्षि मही परमहंस जी महाराज का ये निवास स्थल है जहाँ पे इनका मंदिर भव्य मंदिर बनाया गया। चलिए आप लोग अंदर लेकर चलते हैं और व्यू दिखाते हैं इस मंदिर का, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है ये मंदिर।
और देखिए मंदिर के अंदर आए तो और जब आप लोग मंदिर आएंगे ना इसके अंदर देखिए क्या शांति है। देखो यहाँ पे आइए, आराम कीजिए, बाबा का ध्यान कीजिए, जो भी हो मन में अपनी इच्छा रखिए पूरी होगी। प्रसाद सब चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। चलिए उस गेट से घुसे हैं, इस गेट से निकलेंगे। यहाँ पे हरिनंदन बाबा का यहाँ पे भी आश्रम है। देखिए बाबा का स्वास्थ्य बिगड़ गया है, हरिनंदन बाबा का। तो देखिए जितने भी भक्त हैं ना, हरिनंद बाबा का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया है, तो आप लोग विनती कीजिए कि उनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। आप लोग को दिखाएं वीडियो में, देखिए कितना उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। और जितने भी यहाँ पे उनके जो मतलब भक्त लोग थे उनको बहला फुसला के हंसा रहे थे, तो आप लोग भी जरूर विनती करें कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाए। देखिए तो जितने भक्त देख रहे हैं सभी लोग कामना करें कि बाबा जल्दी से ठीक हो जाए। चलिए और भी आप लोग को मंदिर में घुमाते हैं। तो जिनको भी बाबा का दर्शन करना हो, देखिए आवास महर्षि हरिनंद परमहंस जी महाराज यहीं पे वो अपना आपको दर्शन देंगे। तो उनका स्वास्थ्य अभी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। देखिए आप लोग कामना करें भगवान से कि इनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए। तो चलिए आप लोग को अब और भी मंदिर लेके चलते हैं, फिलहाल यहाँ से अब निकलते हैं। और शाम के बज गए हैं 4। चलिए अब आप चलिए, इस छोर से घुसे थे और यहाँ से अब निकलेंगे हम लोग बाहर और उसी जगह पे चले हैं, चल रहे हैं जहाँ से ब्लॉग हमारा स्टार्ट हुआ था। चलिए और यहाँ देखिए बाबा के गाड़ी को सजाया गया है जो कि घुमाया गया था। देखिए आ गए उसी जगह पे, गए थे उस रास्ते से जगह पे। और इधर जो आप लोग को दिख रहा है, इधर आप लोग को बहुत प्यारा प्यारा चीज गार्डन मिलेगा देखने के लिए। चलिए इस गार्डन में चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए इधर आप लोग को दिखा, बिल्कुल हरा भरा। और वहाँ जो आप लोग को दिख रहा है वहाँ पे प्रवचन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आप लोग माता सबरी श्री राम जी को बैर खिला रहे हैं। देखिए इधर से गेट बंद है तो उधर से ही जाना पड़ेगा। वो जो आप लोगों को साइड दिख रहा है ना, इधर से ही जाएंगे, उस मंदिर का भी दर्शन होगा संसई बाबा के बगल का और इधर भी। तो फिलहाल ये सामने वाला गेट बंद है तो हम लोग को उधर से ही जाना होगा। तो चलिए आप लोग को यहाँ दर्शन कराए हैं और उसी गेट से बाहर निकलेंगे और जहाँ प्रवचन हो रहा है वहाँ पे, और ये हंसेवी बाबा का जो यहाँ पे स्थल है यहाँ पे भी लेके चलेंगे और इस यहाँ पे भी लेके चलेंगे, फिर ब्लॉग को एंड करेंगे। चलिए देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, फोटो भी। तो देखिए अगर आप लोग को घूमते घूमते यहाँ पे पानी वाली प्यास लग जाए, देखिए यहाँ पे निःशुल्क जल सेवा हो रहा है। देखिए जल सेवा निःशुल्क जल सेवा है, पानी पीजिए मस्त। चलिए चलते हैं अंदर, देखिए प्रवचन वाला मतलब जहाँ पे प्रवचन हो रहा है वहाँ पे आए हुए, प्रवचन शुरू है। सभी लोग बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। देखिए जिनको जिनको अंदर जगह नहीं मिला वो लोग बाहर से ही सुन रहे हैं। और अगर आप लोग को दिखाना चाहें अंदर बाबा लोग प्रवचन कर रहे हैं।
या के नहीं ले देख लीजिए कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पे बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं। और देखिए यहाँ पे है ना महर्षि मेहि संतसेवी समाधि स्थल, महर्षि मेहि जी का संतसेवी समाधि स्थल है। गेट के अंदर नहीं पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर। देखिए जितना आप लोगों को दिखा सब कुछ में कुछ लिखा हुआ है, किसी में आरती है, किसी में सभी लोग आके दर्शन कर रहे हैं और आप लोग को भी दर्शन करवा दिए, तो आप लोग भी कमेंट में जय गुरु महाराज जरूर लिखिएगा। तो चलिए आप लोग को इस मंदिर का भी व्यू दिखाते हैं अंदर चलते हैं। तो चलिए आरती भी शुरू हो गया, यहाँ से निकलेंगे फिर ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि शाम के बज गए हैं 5:06। बहुत सारे लोग अंदर सेल्फी क्रिएट कर रहे हैं। देखिए आप लोग को अंदर दिखाएं, देखिए यहाँ पे संतसेवी बाबा का समय। देखिए चलिए चलते हैं। देखिए आरती खत्म हो गया, देखिए आरती खत्म होने के बाद भीड़। तो फ्रेंड्स फाइनली आप लोग को घुमा दिए भागलपुर का कुप्पा घाट, जो कि आज 140वीं महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज जी का 140वीं जयंती महासमारोह था आज। तो कैसा लगा आप लोग को ब्लॉग आप लोग जरूर बताइए। अगर आप लोग इस कुप्पा घाट आना चाहते हैं तो भागलपुर रेलवे स्टेशन सबसे पहले आइए, रेलवे स्टेशन भागलपुर, वहाँ से ऑटो वाला टोटो वाला को बोलिए कुप्पा घाट जाएंगे। अगर वहाँ से डायरेक्टली नहीं आता है तो वहाँ से आइए तिलका मांझी। और अगर बताना चाहते हैं डायरेक्टली अगर आप लोग स्टेशन से कुप्पा घाट आते हैं तो 20 रुपया लेगा, और तिलका मांझी आते हैं तो 10 रुपया लेगा, फिर वहाँ से 10 रुपया, मतलब 20 रुपया में आप स्टेशन से कुप्पा घाट पहुँच सकते हैं। तो चलिए आप लोग को बताना चाहते हैं जो विशाल भंडारा हुआ महाप्रसाद खाएँ, उसमें जो लोग खाएंगे तो अपना प्लेट वो खुद से धो के वहाँ पर रख देंगे। चलिए कैसा लगा आप लोग जरूर बताएगा, फेसबुक देखिए जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और वहाँ पे नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी आ रहा होगा, उसे आप लोग फॉलो करके मेरे डीएम करें और जाते जाते जय गुरु महाराज कमेंट में जो लिखिएगा। चलिए बाय बाय, जय गुरु महाराज।